भाजपा जिलाध्यक्ष ठाकुर प्रसाद महतो की अध्यक्षता में एवं नगर मंडल अध्यक्ष उमेश कश्यप के नेतृत्व में हेमंत सरकार द्वारा विधानसभा में भाजपा विधायकों द्वारा उठाया गया सभी विभागों में कार्यरत अनुबंध कर्मियों का स्वास्थ्यकरण वादा के अनुसार 5 लाख युवाओं को रोजगार नहीं देने एवं विधानसभा में मांग नहीं मानने तानाशाह रवैया के खिलाफ पुतला फूंका गया। मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष ठाकुर प्रसाद महतो ने कहा कि झामुमो सरकार झारखंड में युवाओं महिलाओं गरीबों को धोखा देने का काम किया है। हेमंत सरकार तानाशाह बन चुकी है, चारों तरफ गुंडा राज माफिया राज बड़े पैमाने पर बढ़ा है। उन्होंने कहा है कि जनहित में आंदोलन कर रहे भाजपा विधायकों को विधानसभा में जिस तरह से प्रताड़ित किया गया ये तानाशाह रवैया को स्पष्ट कर रहा है। भाजपा नेता मुकेश निरंजन सिन्हा ने कहा कि झामुमो सरकार में बैठे मंत्री विधायक की तानाशाही से जनता त्राहिमाम कर रही है। आने वाले दिनों में जनता ऐसे निकम्मे झामुमो सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए संकल्पित है। भाजपा जिला महामंत्री संतोष दुबे ने कहा कि हेमंत सरकार तानाशाह बन चुका है, ऐसी निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जनता तैयार बैठी है। उन्होंने कहा कि झामुमो सरकार ने जनता को धोखा देने का काम किया, गढ़वा सहित पूरे झारखंड में झामुमो का गुंडा राज चल रहा है। मौके पर भाजपा नेता भगत सिंह साहू, राजीव राज तिवारी, राजीव रंजन तिवारी, हरेंद्र दुबे, रितेश चौबे, मुन्ना तिवारी, गिरेंद्र पांडे, विनोद चंद्रवंशी, चंदन जायसवाल, कैलाश कश्यप, यशवंत मिश्रा, राकेश शंकर गुप्ता, बंधुराम, सुप्रीत केसरी, धनंजय कोंड, टिंकू गुप्ता, विशाल गुप्ता, गौरी बिंद, सुरेंद्र विश्वकर्मा, शुभम गुप्ता, कमलेश निरंजन सिन्हा, उदय मेहता, अविनाश पासवान, रंजीत चौरसिया, खुर्शीद आलम, शनि चंद्रवंशी, मनीष गुप्ता, विकास तिवारी, प्रिंस तिवारी, ओम प्रकाश पासवान सहित कई अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। तो जैसा कि झारखंड विधानसभा में माननीय हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायकगण झारखंड के युवाओं के प्रति, झारखंड के जो भी हमारे संविदा कर्मी हैं उनके प्रति, आंगनबाड़ी के बहनों के प्रति, नौजवान जो अभी हमारे पुलिस कर्मी हैं उनके प्रति जो मांग कर रहे थे उसके खिलाफ में उनके ऊपर, हमारे विधायकों के ऊपर मार्शल लगवा करके उन लोगों को रूम में बंद किया गया। यहाँ तक पानी बिजली का सप्लाई भी उन लोगों को रोक दिया गया। अंतिम में उन लोगों को बाहर निकलवाया गया, प्रताड़ित किया गया, उन लोगों के साथ इंसाफी किया गया। इसके विरोध में आज हम लोग गढ़वा भारतीय जनता पार्टी की ओर से विरोध प्रदर्शन करते हुए पुतला दहन करने का काम किए हैं कि हमारे झारखंड में नौजवानों को ठगा जा रहा है, छला जा रहा है, रोजगार देने के नाम पर वोट लेकर के, और आज तक हमारे युवाओं को नौकरी नहीं दिया गया। यहाँ तक कि बेरोजगारी भत्ता बोला गया था वो भी नहीं दिया गया। पारा शिक्षक को परमानेंट करने के लिए कहा गया था वो भी काम नहीं किया गया। इस तरह से अनेकों काम उनका जो घोषणा पत्र में था केवल वोट लेने के लिए था, काम करने के लिए नहीं था। इसके विरोध में हमारे विधायक जो अपना मांग रख रहे थे उनके साथ प्रताड़ना किया गया। इसके लिए आज हम लोग यहाँ पर अपने पार्टी की ओर से धरना पुतला दहन के माध्यम से हम लोग बताना चाहते हैं कि आप जो है सो कि ठगने का काम किया है, आपके विरोध में पूरे गढ़वा जिला के लोग हैं, आपको पहचान गया है लोग, आपकी पारी आपको वोट से वोट विहीन हो जाइएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगा और फिर हम लोगों के बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री बनेगा। यही कहते हुए हम अपने अभी जो मांग है क्या अपनी सरकार बनेगी तो पूरा करेंगे? हाँ पूरा करेंगे। क्या क्या पूरा करेंगे? जो काम पिछड़ा हुआ है जैसे पारा शिक्षक है, आंगनबाड़ी के बहने हैं, अब संविदा पर जो हमारे कर्मचारी काम कर रहे हैं वो है, अभी नवनियुक्त पुलिस कर्मी जो है जो की अभी भी धरना पर बैठे हुए है, उन लोगों को जैसा संभव होगा सबको सम्मान देने का काम किया जाएगा। अस्थाई करेंगे, जो जिस कैटेगरी के लायक होगा उनको नौकरी दिया जाएगा। नौकरी देने का भी क्राइटेरिया होता है, क्राइटेरिया में जो उतरेगा खरा उनको नौकरी दिया जाएगा। आगे की रणनीति है हम लोग पब्लिक में जाएंगे इस चीज को बताएंगे। अभी हाल ही में अब चुनाव का बिगुल बज चुका है, हम लोग चुनाव के माध्यम से हम लोग जनता के सहयोग से अपना रणनीति बना करके और झारखंड में सरकार बनाने का काम करेंगे।
आज जो हमारे झारखंड के जो 24-25-26 विधायक हैं उनमें से 18 लोग को निलंबित किया गया है। और हमारे जितने भी विधायक युवाओं के लिए जो सरकारी बोली थी कि हम यह कार्य करेंगे, सबको स्थायी करेंगे, उनका नहीं किया, उनका जवाब मांगा गया तो जवाब से मुकर गए। हमारे विधायक को मार्शल आर्ट के द्वारा बाहर निकाला गया विधानसभा से, और रात भर उन लोगों ने विधानसभा में जमीन में सोने का काम किए। और झारखंड के युवाओं का भविष्य के लिए हमारे जितने विधायक हैं प्रतिबद्ध हैं, और सबको जितने भी संविधा है उनको स्थायीकरण जो सरकार कही थी उसे मुकर रही है, उसका मांग को लेकर हम लोग अड़े हुए हैं। और उसी के विरोध में हम सभी रोड पर उतर कर सरकार का पुतला दहन किए हैं, और सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि हमारे जितने भी झारखंड के युवा संविधा पर नियुक्त हैं उनको स्थायी करें, नहीं तो आने वाला वोट के समय में, चुनाव के समय में सरकार भाजपा की आएगी और आपका ईंट से ईंट बजाने का काम करेगी। अभी तत्काल में देख लीजिए पूरे बालू का कोहराम मचा हुआ है। यह जो मुख्यमंत्री बोलते हैं कि हम बालू फ्री कर देंगे, यह सिर्फ सिगुफा छोड़ते हैं। चुनाव का टाइम है तो बोलते हैं कि हम बालू फ्री कर देंगे। 4.5 वर्ष इन्होंने बालू ने फ्री किया, आज बालू गढ़वा में 5,000 का बिक रहा है। इनका अबुआ आवास कहाँ से बनेगा, यह सब घोकासला है। अभी इनका जो मैया योजना है सिर्फ फार्म भराने का काम होगा, ये सिर्फ वोट की राजनीति का है, इससे एक रुपया किसी जनता को मिलने का काम नहीं होगा। यह सब ठंडा बस्ता में जाएगा और जनता को मूर्ख बनाने का काम किया जाएगा। देखिए हमारी जितनी भी सरकार की थी हम उसका मांग को मान रहे थे और उस मांग के तहत हम लोग का मानदेय वगैरह बढ़ाए थे, लेकिन मेरी सरकार पुनः अगर आती है तो मैं सारे जितना भी उनका मांग है उनको सिस्टम से सुचारू रूप से सब चालू कराने का काम करेंगे। आर रखा है ख्याल सवा ये मिलेगा सेकेंड हैंड बाइक हब गढ़वा शाहपुर मार्ग अचला नवाडी नियर ITI कॉलेज और ब्रिज के निकट सेकेंड हैंड बाइक की बिक्री के लिए एक अनोखा संग्रह लेकर आया है बाइक हब, जो सभी कंपनी के अनेकों प्रकार के बाइक सेकेंड हैंड बिक्री कर रही है। आपको यदि हो लेना सेकेंड हैंड बाइक तो एक बार अवश्य बाइक हब स्टोर पहुंचे और अपनी पसंदीदा सेकेंड हैंड बाइक लेकर सवारी करें।